प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के आह्वान की दिशा में भारतीय रेल ने 400 स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्हड़ों का उपयोग किया शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा जम्मू कश्मीर और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के रूप में दी भेंट। चार दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। देश के 5000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इसे स्टेशनों को आर्थिक गतिविधियों का हब बनाने और भारतीय रेल का विस्तार करने की दिशा में बताया बेहतर कदम। बिहार में भारी बारिश से हालात गंभीर, मौसम विभाग ने बिहार के पटना, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया जिले में तेज बारिश की चेतावनी की जारी। स्थानीय प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थाएं बंद करने के लिए निर्देश। SC/ST एक्ट संशोधनों की वैधता पर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के बदलाव से किया इनकार, फैसला रखा सुरक्षित। रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बार फिर लहराया परचम, जयपुर रेलवे स्टेशन देश भर में रहा सबसे स्वच्छ, जोधपुर ने दूसरा और दुर्गापुर रेलवे स्टेशन ने हासिल किया तीसरा स्थान। कोलकाता की एक दुर्गा उत्सव समिति ने मां दुर्गा की मूर्ति पर लगाया 50 किलो सोना, 20 करोड़ में बनी नवरात्र की सबसे महंगी मूर्ति। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा जो मुल्क अपने लोगों को नहीं दे सकता रोटी वो अफगानिस्तान पर क्या करेगा राज। अब खबरें खेल जगत से। साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बनाए 176 रन, मयंक अग्रवाल ने भी लगाया अपने टेस्ट करियर का पहला शतक।